गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आगे। लास्ट क्लास में हमने समझाया था कि सेंट्रोइड क्या होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजिंग मोमेंट एंड सेंट्रोइड यूजिंग मोमेंट, इसमें हमने दो फॉर्मूला आपको बताया था, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए एक्स बटा कैपिटल ए and y bar should be equals to summation of a y upon a, where a small a is the area of the strips, अगर उसको कई strips में बांटे तो, और capital A is the total area। इसी में आगे हम बात करेंगे कि आज हम numericals लेंगे, कैसे numericals को solve करना है, कैसे numericals में centroid हम लोग find out करते हैं। जैसे देखिए, एक चीज हमने एक्सिस ऑफ रेफरेंस जब हम मोमेंट की बात कर रहे थे वहां पे हमने एक्सिस ऑफ रेफरेंस बताया था, वहां पे चर्चा हुई थी एक्सिस ऑफ रेफरेंस की। आगे फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे अगर सेंट्रोइड हमको निकालना है किसी भी प्लेन फिगर की, अगर किसी भी प्लेन फिगर की अगर टी सेक्शन एक मान लेते हैं, इसका एक्सिस ऑफ रेफरेंस निकालना है, अगर सेंट्रोइड निकालेंगे तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस होगा। और एक्सिस ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में होता क्या है? एक्सिस ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अबाउट हम इसके सेंट्रोइड की दूरी को कैलकुलेट करते हैं, आइदर इन द एक्स डायरेक्शन और इन द वाई डायरेक्शन। तो अगर एक्स डायरेक्शन को कैलकुलेट करने की बात होगी तो हम लोग हमेशा एक्सिस ऑफ रेफरेंस मैक्सिमम केस में या इजिली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, जो सबसे लेफ्ट पोर्शन होगा, उस पोर्शन को हम लोग एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। जैसे इस फिगर की बात करें तो सबसे लेफ्ट वाला साइड ये है, तो यहाँ पे हम लोग ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एक्स बार। और अगर हम वाई बार की बात करें तो बॉटम पॉइंट को हम लोग एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, मतलब ये वाला को एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान लिए, तो इससे हम लोग वाई बार कैलकुलेट करेंगे, मतलब द लेफ्ट हैंड साइड या द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द प्लेन फिगर इज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार, एंड द बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ द फिगर इज टेकन एज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वाई बार। ठीक है, अब सेंट्रॉइड को निकालने से पहले हम दो बातों की चर्चा करेंगे। एक सिमेट्रिक एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्रिक एक्सिस। जनरली प्लेन फिगर की अगर हम बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो होगा, एक एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह लीजिए, एंड दूसरा जो होगा वो वर्टिकल एक्सिस होगा। जैसे मान लिया जाए एक रेक्टेंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है तो इसका एक्सिस ऑफ रेफरेंस अगर करेंगे तो दो होगा, एक हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस ऑफ रेफरेंस सिमेट्री और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे? अगर इसको देखिए, ये फिगर अगर कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसके अबाउट अगर इस पूरे फिगर को फोल्ड करें तो ये आधे आधे भाग में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो जो पोर्शन के अबाउट ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, और वर्टिकल एक्सिस में करेगा तो वो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। जैसे ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हमने लिया, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की हम बात करेंगे तो देखिए, अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करें, ये वर्टिकल लाइन जो है हमारा, अगर इसके अबाउट, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर इस फिगर को इधर पे ओवरलैप कराया जाए तो कोई एक ऐसा पोर्शन आएगा जहां पे ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, तो जो पोर्शन जितनी दूरी पे ये, यहां अगर इसको ओरिजिन मान लिया जाए, ये ओरिजिन है, तो जितनी दूरी से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, अगर उस पॉइंट से जो एक इमेजिनरी लाइन पास करेगा वो इमेजिनरी लाइन को हम लोग वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह अगर इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जिसके अबाउट ये फिगर ओवरलैप कर जाएगा, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको एज ए एग्जांपल समझिए, ये एक देखिए कागज है,
इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। अगर ऐसे फोल्ड कर दिया मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब इस टी सेक्शन की अगर हम बात करें, इस टी सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, तो क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कट कर दिया जाए, एक इमेजिनरी लाइन हम स्केच कर रहे हैं, और अगर इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर अगर इस फिगर को यहां से नीचे वाला पोर्शन को उठा के ऊपर रख दें तो क्या रखा पाएगा? ओवरलैप कर पाएगा? तो ओवरलैप यहाँ पे नहीं कर रहा, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा। अब हम वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। एक लाइन हम इसमें बीच से ऐसे खींच देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन खींच दिए और इधर वाला फिगर को उधर की ओर ओवरलैप करा रहे, मतलब यहां से फिगर को हमने काट दिया, फोल्ड कर रहा है, अब ये वाला पूरा फिगर को, लेफ्ट हैंड साइड वाले पूरे फिगर को राइट हैंड साइड में इसको ओवरलैप करा रहे, तो क्या ओवरलैप हो जाएगा? तो देखिए इसमें ओवरलैप हो रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन उधर की ओर ओवरलैप कराइए, पूरा ये फिगर बन के आ जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। नहीं, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा, मतलब इसमें वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और कुछ फिगर ले लेते हैं, जैसे अगला फिगर जो हम देखिए ले रहे हैं, एक फिगर हम ले लेते हैं एल सेक्शन, क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? इसको अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कट कर दे क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर पाएगा? नहीं। एक वर्टिकल एक्सिस से इंटरसेक्ट करके इसको ओवरलैप कराएंगे, क्या करेगा? नहीं, मतलब इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगला फिगर देखिए लेते हैं, अगला फिगर एक आई सेक्शन ले लेते हैं, एक आई सेक्शन हमने ले लिया, अब इसको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कट करते हैं, क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए ये एक छोटा है इसका और ये बड़ा है लेंथ इसका, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप कहने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर वे में, जैसे अगर ये हाथ की बात करें तो ये है इसके ऊपर ऐसे पूरा ओवरलैप कर गया, अगर थोड़ा सा भी ऐसे निकला हो तो ये ओवरलैप नहीं कहलाता है, मतलब जस्ट मिरर इमेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरह इसमें एक वर्टिकल एक्सिस को खींच लें, क्या अब इसको फोल्ड करेंगे तो क्या ये ओवरलैप करेगा? तो देखो इसको ऐसे करेंगे, ये वाला जितना पोर्शन है उतना एक पोर्शन इधर है, ये ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला जितना पोर्शन है उतना इधर है, ये वाला ओवरलैप कर जाएगा। तो क्या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्री है? तो हाँ है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग सिमेट्री नहीं है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 3 से 4 या 5 मैक्सिमम न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग। तो इसके बाद ये चैप्टर आपका यूनिट 4 जो है इतना ही है, और थ्योरी पोर्शन हम ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर ही चुके हैं। पहला क्वेश्चन एक ले रहे हैं जिसमें एक टी सेक्शन लेते हैं, एक हमने टी सेक्शन लिया है जिसका, इसको हम लोग ऊपर वाला ये जो पोर्शन है इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लेंज सेक्शन बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये लंबा सा जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग वेव बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं और इसको हम लोग वेव बोलते हैं। अब इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 100 mm
फ्लेंज का विड्थ दिया हुआ है 50 mm, टोटल इसका डेप्थ दिया हुआ है 150 mm और वेव का विड्थ दिया हुआ है 50 mm. क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना. ठीक है, जब हम 2D की बात कर रहे हैं तब सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस की बात करेंगे, जब 3D फिगर की बात करेंगे तो एक एक्सिस और उसमें जुड़ जाएगा. अब ये एक फिगर आपको दिया हुआ है, ये फ्लेंज सेक्शन का विड्थ दिया हुआ है 100 mm, डेप्थ दिया हुआ है 50 mm, टोटल डेप्थ इस फिगर का दिया हुआ है 150 mm और वेव का विड्थ दिया हुआ है 50 mm. तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं कि वेव का डेप्थ कितना है, तो हाँ निकाल सकते हैं, 150 में से 50 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 100 mm बच जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, निकालना है हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो क्या ये लैमिना का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मास तो दिया नहीं, इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और हर एक फिगर का अपना सेंट्रोइड निकाल लें, तो हम फॉर्मूला से a1x1 + a2x2 + a3x3 / टोटल एरिया से हम लोग इसका एक्स बार और वाई बार उसी तरह निकाल सकते हैं. तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या ये फिगर सिमेट्री है, तो जी हाँ ये फिगर एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है. तो अगर एक्स ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है मतलब अगर इसको एक्स वाई बार पे अगर रखा जाए, मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर रख दें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग ये सिमेट्री है, तो यहां से डायरेक्टली हम लोग एक्स बार इसका लिख सकते हैं और वो एक्स बार कितना के बराबर हो जाएगा, यहां से इसकी दूरी मतलब इस पूरे फिगर का आधा, मतलब फ्लेंज का अगर आधा करते हैं तो टोटल 100 mm है, तो आधा कितना हो जाएगा 50 mm, मतलब एक्स बार तो हमको निकल गया 50 mm. अब एक्स बार निकल गया, अब हमको वाई बार निकालना है. क्यों वाई बार निकालना होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई के अलोंग तो है नहीं, तो y बार हम लोग निकालेंगे. अब y बार निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ a बाई अपॉन कैपिटल. अब ध्यान दीजिए इस पूरे फिगर को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं. तो जी हाँ देखिए, तो दो भाग में बांट सकते हैं. अगर यहां से एक लाइन खींच दें तो ऊपर का ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन और नीचे का ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बन जाएगा. इसको हम फिगर वन मान लेते हैं और इसको हम फिगर 2 मान लेते हैं. अब हम एरिया A1, इसको A1 से सूचित कर देंगे, एरिया इसका A2 से सूचित कर देंगे. तो A1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, L into B, तो 100 into 50 बराबर 5000 mm². इसी तरह A2 अगर निकालना चाहें तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका डेप्थ और इसका विड्थ, तो इसका डेप्थ है 100 और इसका विड्थ है 50, मतलब ये भी 5000 mm². ठीक है, अब X1 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि फिगर एक्स ए वाई लिखना होगा, क्योंकि फिगर हमने ए वाई लिखा है, तो वाई की बात कर रहे हैं हम. बॉटम मोस्ट इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, इसको हमने रेफरेंस एक्सिस मान लिया है, इसको हमने रेफरेंस एक्सिस मान लिया. तो A2 के लिए फॉर A2 Y2 बराबर क्या हो जाएगा, Y2 मतलब इसका सेंट्रॉइड इस एक्सिस से, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, L Y2 या H Y2. तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसका हाइट का आधा, दैट इज इक्वल टू 100/2, दैट इज 50 mm.
50 mm के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी तरह फॉर सेकेंड फिगर y1 बराबर कितना हो जाएगा, हम रेफरेंस किसको माने हैं, इसको, तो यहां से कैलकुलेट करना है, तो ये तो 100 mm ये हो गया, और इसका कितना होगा h by 2, मतलब इसका 50 का आधा, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 by 2 बराबर 125 mm। तो फॉर ए वन या फॉर फिगर वन कर देते हैं यहां पे, तो फॉर फिगर टू, ये टू है ना नीचे वाला, फॉर फिगर टू बाय टू इक्वल्स टू इतना, और फॉर फिगर वन बाय वन बराबर इतना। अब हम फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में हम देखिए ऊपर पुट कर रहे हैं, y बार बराबर ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू अपॉन कैपिटल ए, बराबर ए वन कितना है 5000 गुना वाई वन कितना है 125 प्लस ए टू कितना है 5000 और वाई टू कितना है 50, अब भागा टोटल एरिया, मतलब 5000 प्लस 5000। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5000 कॉमन ले लिए, यहां से 175 आ गया, बटा 2 इंटू 500 कर लेते हैं, 5000 से 5000, 175 भागा 2 बराबर 2 16, 87.5 mm इसका आंसर। तो समझ में आया कैसे बनना है। इसी तरह कैसा भी फिगर होगा, कैसा भी फिगर होगा, इसी तरह हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।